हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइल लूप्स के बारे में। तो व्हाट इज़ व्हाइल लूप? तो व्हाइल लूप इज़ अ लूप इन विच आर वेरिएबल और ऑब्जेक्ट कीप मूविंग अनटिल इट फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन। मतलब ये हमारा किसी भी लूप में या किसी भी सर्कुलर पाथ में तब तक घूमता रहेगा हमारा वेरिएबल जब तक कि हमने जो कंडीशन दी है उसको पूरा ना कर दें। तो जैसे एक एग्जांपल है कि मान लो हम अपना प्रोग्राम है उसमें हम कोई वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज कराना चाहते हैं किसी सर्टेन वैल्यू तक, तो उसमें काम आता है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सो मान लीजिए हमारे प्लेयर है पी और इसको अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है ज़ीरो से। तो हम इसमें तब तक तो लेट सपोज इसने फर्स्ट राउंड काटा तो इसकी वैल्यू हो गई एक्स की 1 जो इसका स्टेमिना है। देन इसने एक और राउंड करा तो इसकी स्टेमिना की वैल्यू हो गई 2। देन अगेन एक और करा तो इसकी स्टेमिना की वैल्यू हो गई 3। तो सेम व्हाइल लूप में होता है, ये जो हमारा प्लेयर है तब तक ग्राउंड के चक्कर काटेगा जब तक इसकी कोई वैल्यू जहाँ तक हमने डिसाइड करी वहाँ तक ना हो जाए। तो इस केस में हमारा 3 थी, तो जब ये 3 हो गई है तो देखिए इसने लूप से बाहर आ गया है, ये जो हमारा ग्राउंड इसने लीव कर दिया है। तो कि काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे x इज इक्वल टू 0। हम कुछ भी कर सकते हैं पर इसमें हम 0 लेके चल रहे हैं। देन वी चूज अ फार्मूला कि हमको क्या करवाना है। तो इस केस में हमने इंक्रीजिंग वैल्यू लिया कि हम उसके इंक्रीज करती जाए वैल्यू। हम माइनस भी ले सकते हैं सिमिलर वे से, बस प्लस की जगह माइनस करना होता है। तो इंक्रीज कराने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 1 या फिर x प्लस इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों सेम होते हैं, बस लिखने का अलग तरीका है। तो ये क्या करता है कि जो हमारा करंट x है उसमें प्लस 1 कर देता है और उसको पिछले वाले x में रिप्लेस कर देता है। मतलब जैसे हमारा करंट x है 0, तो इसलिए 0 हमारा करंट x था 0, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। अभी जो x प्लस 1 की वैल्यू होगी ये इसको x में स्टोर कर देगा, तो नए x की वैल्यू हो जाएगी 1 और फिर उसको प्रिंट करवा देता है। तो ये एक व्हाइल लूप का नॉर्मल सिंटैक्स होता है। हम पहले यहाँ डिफाइन कर दिया 0 व्हाइल कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड, जो हम कंडीशन चाहते हैं कि यहाँ तक वैल्यू रहे x की, एंड देन फार्मूला एंड देन प्रिंट। तो हमारे केस में हम चाहते हैं कि x की वैल्यू 0 हो और व्हाइल x की वैल्यू 4 से कम रहे। मतलब जब तक x की वैल्यू 4 से कम है तब तक ये लूप करे जब तक हमारा प्लेयर चक्कर काटे उसके सर्कल के अपना जो ग्राउंड है। एंड देन हमने फार्मूला लगा दिया एंड देन प्रिंट कर दिया। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 4। तो मैं आपको एक बार इसको एडिटर में लिख के दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने यहाँ डिफाइन कर दिया x इक्वल टू 0 वेरिएबल जो था। देन हमने लिखा व्हाइल x इज लेस देन 4 एंड x प्लस इज इक्वल टू 1। आप इसकी जगह दूसरा वाला भी लिख सकते हैं पर मैंने फिलहाल ये लिख रखा है। देन प्रिंट x। अब जब हम इसको रन करेंगे कंट्रोल बी से, तो देखिए इसने हमको दिया पहले 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4। तो ये तब तक रन किया जब तक x की वैल्यू 4 से कम थी। अब इसको जैसे ही दिखा कि हम जब x प्लस 1 4 कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हम कर रहे हैं x इज इक्वल टू x प्लस 1, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अगर अब ये 4 के आगे जाता तो इसको वैल्यू मिलती 5 6 7 8, जो कि हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो लूप लगाया कि x वैल्यू 4 से कम हो। तो जैसे ही देखता है कि 4 से बढ़ रही है वैल्यू, ये लूप को वहीं तोड़ देता है। तो यही था हमारा। अब मान लीजिए हमको कोई दो तरह के इसमें लूप्स होते हैं, एक इन्फिनाइट और एक फिनाइट। तो फिनाइट वाला तो हमने पढ़ लिया, फाइनाइट वाला जो कि एक लिमिटेड तक रहता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ 15 और मैं यहाँ दे देता हूँ ग्रेटर देन, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने x की वैल्यू दे दी 15 और व्हाइल लूप को कह दिया कि ये लूप जब तक रन होता रहे जब तक x की वैल्यू 4 से बड़ी है, अगर 4 से छोटी हुई वैल्यू तो ये लूप को तोड़ दे। अब यहाँ पे तो प्लस हो रहा है तो यानी 4 से तो छोटी होगी नहीं क्योंकि माइनस तो होगा ही नहीं 15 में से, क्योंकि हमने यहाँ प्लस लगा रखा है। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ नंबर आते जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनाइट लूप। अब मान लीजिए हम यहाँ पे माइनस दे देते हैं, तो लीजिए ये हमको दे देगा, देखिए इसने हमको कितनी सारी वैल्यू दी, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4। ये 4 पे आके रुक गया क्योंकि इसने देखा कि 4 से कम नहीं होनी चाहिए वैल्यू।
तो इसने जब 3 आया तो वहीं पे तोड़ दिया लूप को, 4 तक ही रहने दिया। सो दैट्स ऑल, यहाँ पे हम कुछ भी नंबर रख सकते हैं, 789। एंड अब देखिए इसने कितनी लंबी लिस्ट दे दी हमको। तो ये वाइल लूप इसी काम आता है कि यहाँ पे मैं वापस 15 कर देता हूँ, कि जैसे हमको कोई फॉर्मूला लगाना है कि इसमें से माइनस होता जाए इसमें प्लस होता जाए, तो तब ये ऐसे फॉर्मूले के काम के लिए आता है वाइल लूप, कि हमको कोई कंडीशन है वो मेट करानी है अपने वेरिएबल पे। सॉरी आवाज के लिए, तो हमको कोई कंडीशन मेट करवानी है तो उस केस में वाइल लूप काम आता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, मैंने एग्जांपल भी दिया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Everything changes.